पहले के समय में इस प्रकार का एक वातावरण नहीं था कि खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया जाए, बल्कि खिलाड़ियों को हमेशा टरकाने का काम, उनको हमेशा कहीं ना कहीं टालने का काम हुआ है। और जो खिलाड़ियों की जो भावना थी, उसके साथ भी खिलवाड़ करने का काम, सुचेष्टा लगातार होती रही, इसलिए ये सब काम नहीं हो पाया। आप सब भली भांति जानते हैं कि ये कई बार मैं जब भी आजकल ऐसे कार्यक्रमों में जा रहा हूँ, तो बहुत सारे, जैसे अभी हंकी जी परसों हम लोग वहाँ, हमने 700 करोड़ से भी ज़्यादा की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। बस टर्मिनल बन रहा है हमारा हल्द्वानी में, काठगोदाम में। तो मैं कह रहा था कि मेरे मन में प्रश्न आता है कि ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अभी प्रश्न मेरा नहीं है, आप सबको नौकरी पहले मिल जानी चाहिए थी, आउट ऑफ टर्न पहले हो जाना चाहिए था, 4% का कोटा पहले लागू हो जाना चाहिए था, ये नियुक्ति पत्र का जो वितरण है वो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जो लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का जो कैलेंडर है वो पहले ही बन जाना चाहिए था, रिक्तियां पहले ही भरी जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो पाई। तो ये प्रश्न मुख्य सेवक के नाते मेरा, मेरे मन में आ रहा है, तो मैं सोचता हूँ कि ये प्रश्न हम सबके मन में होगा, लेकिन इसका उत्तर मैं नहीं दूंगा, इसका उत्तर हम सब लोगों को स्वयं खोजना है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। और जब हम मिलकर इसका उत्तर खोजेंगे तो इसका उत्तर अवश्य मिलेगा। हमने सरकार गठन के बाद से ही जो खेलों के साथ ही खिलाड़ियों को जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करने के लिए तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराने का भी काम किया है, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उनको सम्मानित करने का काम भी हमने किया है उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन पर। मैं आज इस अवसर पर आप सब लोगों से यह भी आग्रह करना चाहूंगा कि आप भी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर जो बेहतर प्रदर्शन कर पदक जीत कर लाए, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार निश्चित रूप से आप सबका प्रोत्साहन करेगी, जो हमारे खिलाड़ी हैं। मुझे विश्वास है कि जिन्होंने आज आउट ऑफ टर्न नियुक्ति प्रक्रिया सभी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय पदक विजेता हैं, वो एक संजीवनी का कार्य करेगी और खेलों के प्रोत्साहन का भी कार्य करेगी। इसके साथ ही आज जो उद्यान विभाग और परिवहन विभाग में भी जिन युवाओं को आज नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं, उनका भी जो चयन हुआ है सहायक के रूप में, आपका चयन इस विभाग में एक नई जिम्मेदारी, आपको एक ये आपके लिए बहुत बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। क्योंकि मैं एक बात और आज कहना चाहता हूँ कि हमने तय किया था, मैंने जब 4 जुलाई 2021 को मुख्य सेवक के रूप में ये दायित्व पर काम करना शुरू किया था, उसी समय से मैंने तय किया था, संकल्प लिया था कि जितनी भी सरकारी हमारे पद रिक्त हैं उन सभी सरकारी पदों को भरेंगे और पारदर्शिता के साथ भरेंगे। बीच में कुछ रुकावटें भी आई, कुछ चैलेंजेस भी हमारे सामने खड़े हुए, लेकिन हम उसमें कतई भी रुके नहीं, कतई भी झुके नहीं, और लगातार हमने कदम आगे बढ़ाए। उसी का परिणाम है कि आज इतनी बड़ी संख्या में नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहे हैं। अभी पिछले 3 माह में 5,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र हम यहाँ पर दे चुके हैं। अभी हमने नर्सिंग अधिकारी के पद पर 1,376, नगर निकाय और नगर पालिका में 226, लोक सेवा आयोग के तहत बनारसी के पद पर 892, अभी सहायक लेखाकार के पद पर 104, डिप्टी जेलर व बंदी रक्षक के पद पर 312, पंचायती राज विभाग में 350, ग्राम विकास अधिकारी के पद पर 394 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। भाइयों बहनों, हम कतई भी, मैंने कल भी कहा कि हम कहने पर ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं, काम करने पर विश्वास करते हैं। क्योंकि काम होगा तो कहना नहीं पड़ेगा, काम स्वयं बोलेगा। हम कोई झूठ का पुलिंदा भी नहीं लोगों के सामने रखते हैं,
ये आंकड़े हैं और इस सच्चाई को सबके सामने रखते हैं। और ये 3 महीने के आंकड़े मैंने आप सब लोगों के बीच में जो रखे हैं, यदि मैं 2.5 साल की बात करूं तो आंकड़ा लगभग 20,000 से भी अधिक बैठेगा। ये इसलिए संभव हो सका जिसके बारे में गणेश जोशी जी ने कहा, अभी हमने नकल का अध्यादेश लाए और नकल माफियाओं की कमर तोड़ने का हमने काम किया। हमने संकल्प लिया था कि नियुक्ति प्रक्रिया बिल्कुल शुचिता के साथ होनी चाहिए, पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए। जो योग्य हैं, जिनके अंदर योग्यता प्रतिभा क्षमता है, उन्हीं को अवसर मिलना चाहिए। और ये भी हमारा संकल्प था और ये संकल्प भी पूरा हुआ। भर्ती प्रक्रिया को रोकना एक नौजवान युवाओं के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ था, उनका करियर भी खराब हो रहा था, उनका समय भी खराब हो रहा था। और हमने तय किया कि जो भी इस प्रक्रिया में बाधक बनेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो भी हमारे नौजवानों के साथ, युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा, हम जीरो टॉलरेंस नीति के विरुद्ध, नीति के तहत उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करेंगे। और हमने ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई की, आप सब लोगों ने देखा होगा। इसी का परिणाम है कि 100 के लगभग जो नकल माफिया थे आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। मैं आप सब से, जिनको आज नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहे हैं, मैं आप सब से ये अपेक्षा करता हूं कि आप जिन क्षेत्रों में भी जाएंगे अपना काम सर्वोत्तम करने का करेंगे, अपनी पूरी प्रतिभा के साथ, क्षमता के साथ। जो भी आपको भगवान ने योग्यता दी है, उस योग्यता का 100% आउटपुट देने के लिए आप संकल्प लेकर अपने क्षेत्रों में जाएंगे, आप समय से कार्यालय जाएंगे, अपने जीवन की एक जो दिनचर्या है, पहले दिन से, जिस दिन से आपको सेवा का कालखंड प्राप्त हो रहा है, जिस दिन से आपकी सेवा शुरू हो रही है, उस दिन से ही आप अपना एक दिनचर्या का चार्ट बनाएंगे और ये सोचकर कि अब मुझे इस सेवा में हमेशा अपना सर्वोत्तम देना है, मेरी जितनी क्षमता है, जितनी प्रतिभा है, उससे ज्यादा देना है और मन मार के नहीं देना है। कई बार होता है कि हम नौकरी में चले जाते हैं, ऑफिस में चले जाते हैं, कहीं हमको ड्यूटी मिल जाती है, अरे हम सोचते हैं अब दिन भर तो यही काम करना है, क्या करें, आज दिन भर में 5 काम, 10 काम, 15 काम, अब इसके बाद ये, इसके बाद वो, उसके बाद ये कतई नहीं सोचना है। आपको लगना है कि जो भी काम दिया गया है, मुझे काम के अवसर की प्रतीक्षा करनी है कि मुझे काम मिलेगा और मैं सबसे अच्छा करूंगी। मन में ये चाव रखना है कि मुझे काम आज दिन भर में ऐसा मिलेगा, कठिन मिलेगा, लेकिन मैं उसको आसानी से करूंगा, चीजों को सरलीकरण और समाधान करके उसका निस्तारण करूंगा, मैं करूंगी। तो निश्चित रूप से आप सभी जो फाइलें हैं उनको भी आप निस्तारित करेंगे। आप पहले 10 वर्षों में जितनी ईमानदारी, लगन और मेहनत से काम करेंगे, आपके आने वाले भविष्य में आपकी राह उतनी आसान होगी। आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अनेक क्षेत्रों में जो रोजगार उपलब्ध कराए जा रहे हैं, 10 लाख लोगों को रोजगार देने का जो काम, इतना बड़ा अभियान देश में चलाया गया है, इतिहास में पहले कभी नहीं चलाया गया था। हर क्षेत्र में आज भर्तियां हो रही हैं, पूरे देश के अंदर ऐसे भर्ती मेलों का आयोजन हो रहा है। मुझे खुशी इस बात की है, जो कई सालों से जो नियुक्तियां नहीं हो पाई, लंबित पड़ी थी, उसके लिए पहल की और पदों का भरने का कार्य आगे चलाया, अभियान आगे चलाया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने युवाओं को सरकारी क्षेत्र में रोजगार देने के साथ साथ स्वरोजगार का भी बीड़ा उठाया है, क्योंकि सरकारी नौकरियां बहुत सीमित हैं, सभी लोगों को सरकारी नौकरियां नहीं मिल सकती हैं। इसलिए हमने ये भी तय किया है, आप लोग भाग्यशाली हैं कि आपको सरकारी सेवा में आने का अवसर मिला है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सरकारी सेवा में नहीं आ पा रहे हैं, हमने कहा है उनके लिए भी हम अनेक अवसर उपलब्ध कराएंगे, अनेक योजनाओं को हम ला रहे हैं, अनेक नीतियां ला रहे हैं। इन्वेस्टर ग्लोबल समिट हमने पिछले दिनों देहरादून में आयोजित की थी, उसमें भी हमने उन्हीं को प्राथमिकता देने का काम किया है जो अधिकतम रोजगार का सृजन करेंगे, अधिकतम हमारे प्रदेश के नौजवान युवा भाई बहनों को रोजगार देने का काम करेंगे। रोजगार जिनकी प्राथमिकता होगा, रोजगार सृजन उनकी प्राथमिकता होगी, उनको हम यहाँ पर उनके निवेश में, उनके उद्योग स्थापित करने में सरकार हर प्रकार से उनको करेगी। हमने प्रयाग पोर्टल, युवा उत्तराखंड ऐप लॉन्च किया है, जिसमें युवा रोजगार के साथ ही
स्वरोजगार के लिए भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके साथ ही होम स्टे, मौन पालन के